सोनभद्र अकेला ऐसा जिला है जहां हरित आवरण भूभाग के एक तिहाई मानक से अधिक 36.79% वन क्षेत्र से आच्छादित है तथा भारत में यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है, जिसकी सीमाएं 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड आदि राज्यों से मिलती हैं तथा यदि इसके खनन क्षेत्र कोबराडाला की बात की जाए तो यहाँ मानक के विपरीत हो रहे खनन पूरे जिले को ही नहीं बल्कि आसपास के लगने वाले अन्य राज्य के जिलों को भी प्रभावित कर रहे हैं। कहने को तो यह राज्य सरकार की पहाड़ियाँ हैं, किंतु जहाँ खदान को 50-60 फीट खनन करने के बाद मिट्टी से उस खदान को पाड़ दिया जाता है तथा उस पर पौधों को लगाना अनिवार्य हो जाता है, वहीं उसके उलट खदान को लगातार उस खदान की 500 से 600 फीट तक खनन कर दिया जा रहा है। और यह स्थिति ओबराडाला के किसी एक खदान की नहीं बल्कि प्रत्येक खदान की यह स्थिति हो चली है, जैसे खनन के नाम पर धरती माँ का सीना चीर देने का लाइसेंस मिल गया हो। इन खदानों की गहराइयाँ एवं पहाड़ों की चाइयाँ इतनी ज़्यादा हो चली हैं कि जब हादसा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है तो खुलकर सामने आता है, अन्यथा एक दो मजदूर के मरने पर उसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाता है तथा एक खदान के लिए कितनी मशीनों की परमिशन की आवश्यकता होती है यह एक गंभीर जाँच का विषय बना हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में सोने के खदान को लेकर मीडिया में बहुत हलचल देखने को मिली थी, किंतु यहाँ के पाए जाने वाले काले पत्थर किसी काले हीरे से कम नहीं है। यही कारण है कि प्रकृति का जमकर दोहन किया जा रहा है। सोना तो नहीं मिला, किंतु यहाँ के काले पत्थरों को बेचकर यहाँ के खनन माफियाओं का घर सोने का जरूर बन रहा है। जहाँ एक तरफ सरकार माफियाओं पर अंकुश लगाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ खनन के क्षेत्र में माफियाओं द्वारा अरबों रुपया कमाकर खनन का ऐसा दुरुपयोग धरती के दूसरे किसी भी क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसा खनन यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी की पूरी खदान को झील में तब्दील कर दिया गया। अब इन्हीं खदानों के साथ यहाँ के क्रेशर बेल्ट पर आप नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि पर्यावरण का किस तरह से यहाँ पर भी दोहन चल रहा है। पर्यावरण विभाग के अनुसार किसी भी प्रकार के धूल गर्दा क्रेशिंग के दौरान नहीं निकलना चाहिए तथा पानी का छिड़काव यहाँ पर लगातार होना चाहिए, किंतु ऐसा यहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जब खदान से निकलकर आप रोड पर पहुँचेंगे तो यहाँ फोर लेन पर भी आप देखेंगे कि तमाम जो है कि इस प्रकार से जो है कि गाड़ियों का जाम लगा के रखा गया है कि किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पूरे फोर लेन को दोनों तरफ से जाम कर दिया जाता है तथा गली की तरह से फोर लेन दिखाई देती है और लंबी लंबी कतारें जो खदान के अंदर जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो रोड पर ही आकर जाम लगा देती हैं तथा रोड पर खड़े ये वाहन दुर्घटनाओं को लगातार चुनौती देते रहते हैं। जब इन पत्थरों के खपत की पूर्ति के लिए गिट्टी के रूप में ट्रकों से एक जिले से दूसरे जिले को ट्रांसपोर्टिंग की जाती है तो यहाँ भी फुल ओवरलोडिंग खुलकर की जाती है तथा यहाँ भी रोड पर कहीं ना कहीं इन ओवरलोड ट्रकों द्वारा एक्सीडेंट होता रहता है तथा ये ट्रक आसानी से छूट भी जाते हैं क्योंकि इनके पीछे नंबर अक्सर छिपा दिया जाता है तथा इन पर मामला भी बहुत कम दर्ज होते हैं। और एक गरीब मजदूर व्यक्ति जो 2 जून की रोटी के लिए खदान से लेकर रोड तक हर तरफ अपनी जान की बाजी लगाकर अपने जीवन को पूरा करता है उस तक सरकार की योजनाएं भी बहुत ही सीमित मात्रा में पहुंच पाती हैं तथा वह हर तरफ जोखिम से भरी ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर रहता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें अवश्य दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो हम आप तक लेकर पहुंचते रहें। धन्यवाद।